के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने परम पिता परमेश्वर का, साथ ही साथ अपने ग्रेट अप्लायंस का, नरेश सर का, सुनील सर का, हरी जी खारिया सर का और मधु मैम का, जिन्होंने मुझे इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म के साथ मैं बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ और अपने टीम को बिल्ड कर रहा हूँ। तो लीडर्स टाइम हो चला है, 5:30 हो चुके हैं, तो हमारे बीच में अभी शायद सेशन को शुरुआत करने के लिए नरपत जी आए हैं कि नहीं। नरपत जी तो आज आए नहीं है और हमारे उनकी जगह में कहते हैं नीतू बेटा भी नहीं है सर हमारे बीच में। तबन जी सर, अंजू दीदी हमारे बीच में है। गायत्री मंत्र सबसे पहले हम करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी जी, तो समय हो चुका है जी, मैं अंजू दीदी को इनवाइट करना चाहूंगा। तो सभी लीडर शानदार तालियों के साथ, फूलों की बरसात के साथ अंजू दीदी का स्वागत करें और हम गायत्री मंत्र के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो वेलकम अंजू दीदी, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नरेश भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरा नाम अंजू मीना है, मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आफ्टर मैरिज आई एम हियर सिंघाना से। तो स्टार्ट करें सर। हेलो, आवाज मेरी सही आ रही है? हेलो जी मैम, कंटिन्यू मैम आ रही है मैम, कंटिन्यू मैम। हाँ, वॉल्यूम ठीक है ना सर मेरा? जी जी जी, कंटिन्यू मैम। ओके, थैंक यू। सभी आईज क्लोज कर लेंगे और मैं 5 times ये बोलूंगी गायत्री मंत्र। स्टार्ट करती हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू सर, ओवर टू यू तपन जी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद आपका। बहुत ही शानदार एवं सुरीली आवाज में आपने गायत्री मंत्र का जाप किया और इस गायत्री मंत्र के साथ हमारा जो दिन का शुरुआत होगा बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है। तो आपका दिल से धन्यवाद मैम। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हमारे साथ मैं, हमारा जो समय हो चुका है सरस्वती वंदना का, तो शायद नरपत जी हमारे बीच में भी नहीं है, तो मैं नेतू गुज्जर बेटा को इनवाइट करना चाहूंगा। आप शानदार तालियों के साथ, सबकी शानदार तालियों के साथ नीतू बेटा कम ऑन द स्क्रीन और आप हमें सरस्वती वंदना कराएं। जी नीतू बेटा, कम ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नीतू गुज्जर।
मैं स्टार्ट करती हूँ सर। ए मालिक तेरे वंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे वंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमास को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे वंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना, बटूटे प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे वंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू नीतू बेटा, आपका दिल से धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आपने जो वंदना की, सरस्वती वंदना की जो प्रार्थना की, तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद मैम। बेटा आपका जो, आपकी जो वॉयस है बहुत ही शानदार, बहुत ही सुरीली है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आज सरस्वती वंदना आपने कराया, तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो है भजन का समय हो चुका है, तो अब मैं भजन के लिए चैंपियन को इनवाइट करना चाहूंगा। चैंपियन, वेलकम चैंपियन। जी सर, भजन सुनाए। जी जी जी, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग तपन जी सर, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज का ये शानदार और बेहतरीन दिन देने के लिए परमपिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद। अपना परिचय देना चाहूंगी, मेरा नाम नीतू है और नवलगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर को दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे हैं, और यहाँ जो आकर, यहाँ जो परिवर्तन जो आ रहे हैं हमारे अंदर इस सेशन के दौरान, जो चेंज आ रहे हैं बहुत ही काबिले तारीफ है। हर इंसान, हर लीडर इतना निखर के आ रहा है। थैंक यू सो मच नरेश जी सर, एंड थैंक यू सो मच समीर जी सर। तो स्टार्ट करते हैं। तपन जी सर, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी मैं बिल्कुल प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। जी बिल्कुल, आज हम श्री कृष्ण और जैसे दोस्तों हमारे अंदर भी मित्रता प्रेम की भावना है, उसी तरह श्री कृष्ण और सुदामा की भी मित्रता की मिसाल दी जाती है, और हमारा मोदी केयर परिवार भी एकदम इन्हीं की मित्रता के जैसे है, और इंशाल्लाह इन्हीं के जैसे बना रहे। ऊपर वाले से यही दुआ है। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राधे कृष्ण और जय श्री कृष्णा। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के
करीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, न सर पे है पगड़ी न तन पे बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन ने, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, मैं घबराऊं प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। थैंक यू सो मच, ओवर टू तपिन जी। थैंक यू मैम वेरी मच मैम जी, आपका दिल से धन्यवाद मैम। बिल्कुल खो चुके थे आपकी आवाज में, आपकी जो सुरीली आवाज है इसमें बिल्कुल खो गए थे मैम, तो आपका दिल से धन्यवाद मैम, आपने बिल्कुल हमारे कानों में बिल्कुल मीठा सा रस घोल दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आई होप कि सारे लीडर्स को ये बहुत ही अच्छा लगता है, आपका जो आवाज, आपकी आवाज है बहुत ही शानदार आवाज है। तो मैम आज जो भजन आपने सुनाया बहुत बहुत ही अच्छा सुनाया मैम, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हमारी जो मातृभूमि की याद करने का समय आ चुका है, तो मैं नीतू बेटा को दोबारा से इनवाइट करना चाहूंगा, और नीतू बेटा आप आए और हमें मातृभूमि की राष्ट्रगान के साथ अपनी मातृभूमि को सलाम करने का समय हो चुका है, तो नीतू बेटा कम ऑन द स्क्रीन।
जी सर, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग अगेन एवरीबॉडी, माय सेल्फ नीतू गुज्जर, मैं स्टार्ट करती हूँ सर। जन ग मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जाके तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू बेटा, थैंक यू, आपने आपका दिल से धन्यवाद नीतू बेटा, दोबारा से आपने हमें मातृभूमि की याद दिलाई। और ये जो राष्ट्रगान है हमारे देश का गौरव है, इस गौरव के साथ हम अपनी मातृभूमि को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जी नीतू बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अफर्मेशन का समय हो चुका है। तो मैं रचना दीदी को, रचना दीदी आई है कि नहीं? जी नरेश सर, रचना दीदी तो शायद अभी नहीं आई है। जी तपन जी, रचना दीदी हमारे बीच में नहीं है और जी के लिए उनकी अनुपस्थिति में सबसे पहले तो हम उनके लिए शानदार तालियां बजाएंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि वो हमेशा हमारे साथ में होते हैं, वो स्वस्थ हैं अपने घर में, अपने परिवार में स्वस्थ हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और आज मंजू जी, हमें मंजू जी डिग्रवाल, मंजू जी हमें अफर्मेशन करवाएंगे, आप मंजू जी को इनवाइट कीजिए। तो सर मैं मंजू दीदी के साथ मैं ही कर लूं, अफर्मेशन रिपीट कर लूं मंजू दीदी के साथ। जरूर 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 तपजी, जरूर जरूर कंटिन्यू करें प्लीज। जी मंजू दीदी जी, वेलकम मंजू दीदी, आपका स्वागत है और धन्यवाद मंजू जी। थैंक यू सर, आपके साथ अफर्मेशन। जी सर थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरा नाम मंजू डिगरवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ और धन्यवाद सभी गुरुओं को, धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर को, और आज मुझे अफर्मेशन का मौका मिला। तो सर अपन स्टार्ट करते हैं। जी हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, हे असीम शक्ति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और खूबसूरत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान और बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और लोगों में खुशियां बांटती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ और लोगों में ढेर सारी खुशियां बांटता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ ही रहता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों को प्रेरणा देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी को भी शक की नजर से नहीं देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी को भी शक की नजर से नहीं देखता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक स्वयं संवाद करती हूँ।
ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक स्वयं संवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरे सभी लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे सभी लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर इंसान को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा हर इंसान को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। हर इंसान को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सभी रुकावटों का हिम्मत से सामना करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सभी रुकावटों का हिम्मत से सामना करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति के हर कृति पे पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ और हमेशा समय का सदुपयोग करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय का पाबंद हूँ और हमेशा समय का सदुपयोग करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरी टीम निरंतर ऊंचाइयों पर बढ़ रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरी टीम निरंतर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और उससे आती हुई हर एक किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ सूर्य को उसके और उससे आती हुई हर एक उस किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी, भोजन का, जो मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देता हूँ हवा, पानी, भोजन और अग्नि का, जो मुझे बहुत ही आसानी से उपलब्ध है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का, जो मुझे हमेशा स्वस्थ बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ शरीर के एक एक अंग का, जो मुझे स्वस्थ और सुंदर बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ समीर मोदी सर का, जिन्होंने हमारे लिए इतना शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। मैं धन्यवाद देता हूँ समीर सर का, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया और आगे मैं और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मोदी केयर बिजनेस का, जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी केयर बिजनेस का, जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुका है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, उस तरह की जिंदगी में हर रोज हर पल जीती हूँ। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, उस तरह की जिंदगी में हर रोज हर पल जीता हूँ। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। जैसे जैसे मेरे पास धन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैं और विनम्र होती जा रही हूँ। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैं और विनम्र होता जा रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 10 करोड़ के शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 10 करोड़ के फार्म हाउस में रहता हूँ पूरे अपने और अपने पूरे परिवार के साथ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 2 करोड़ की शानदार सी कार की मालकिन हूँ और उसको खुद ड्राइव करती हूँ।
ईश्वर की कृपा है कि मैं 2 करोड़ के शानदार सा कार का मालिक हूँ और उसको खुद ड्राइव करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मोदी के प्लेटफॉर्म से मैं साल में 2 बार विदेश यात्रा पर जाती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मोदी के प्लेटफॉर्म से साल में 2 बार मैं विदेश यात्रा जाता हूँ। अपने पूरे परिवार के साथ, अपने अप्लायंस के साथ, अपनी टीम के साथ और आप सभी के साथ। अपने पूरे परिवार के साथ, अपने अप्लायंस के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ और आप सभी के साथ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक हर महीने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरा और मेरी पूरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक हर महीने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन अप्लायंस हैं और बहुत ही शानदार टीम है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन अप्लायंस है और एक शानदार सी टीम है। ईश्वर की कृपा है कि मैं मोदी के बिजनेस को लेकर हमेशा सकारात्मक रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं मोदी केयर बिजनेस को लेकर के हमेशा सकारात्मक रहता हूँ। इतनी अपार खुशियां, मान सम्मान, एक सेलिब्रिटी की जिंदगी और इतना प्यारा सुंदर जीवन देने के लिए है ईश्वर, है ब्रह्मांड, है असीम शक्ति, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना मान सम्मान और एक शानदार सी जिंदगी देने के लिए है ईश्वर, है ब्रह्मांड, है असीम शक्ति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पे और पूरी बॉडी पे जो अपन ने पॉजिटिव एनर्जी फील की है उसको अपन फील करेंगे। और थैंक यू सर, आपका थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी मैम, धन्यवाद, 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 आपका दिल से धन्यवाद मंजू मैम। आज आपके साथ अफर्मेशन करके बहुत ही शानदार फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। आज मैंने पहली बार अफर्मेशन रिपीट किया है तो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपका दिल से धन्यवाद मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो आप सभी के शानदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। अब हमारा जो स्टोरी का समय हो चुका है, एक शानदार सी मोटिवेशन स्टोरी हम सुनेंगे। तो नितेश सर आपका स्वागत है, आप आए और हमें एक शानदार सी स्टोरी के साथ हमारे जो दिन है, दिन की शुरुआत दिन में एक हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी डाले हमारे अंदर, ताकि हम सारा दिन बिल्कुल पॉजिटिव रहे और एनर्जी से भरपूर हो जाए। तो आपका स्वागत है नितेश सर जी। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग तपनजी सर, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे इस प्यारे से जूम सेशन में, जहां हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सिखाते हैं और अपने और अपने परिवार के जीवन में लगातार एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। मैं नितेश कुमार आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जहां मैं हर रोज आपके लिए लेकर आता हूं एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी, जिससे मैं खुद मोटिवेट होता हूं, खुद प्रेरित होता हूं, मेरे खुद के जीवन में परिवर्तन आता है और उम्मीद करता हूं कि जो सीख मुझे मिलती है वो सीख आपको भी मिलती होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना मान सम्मान देते हो और हर रोज कहानी से कुछ न कुछ सीख करके जाते हो और उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में कोई न कोई सीख, कोई न कोई बात इम्प्लीमेंट भी जरूर करते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की स्टोरी की। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के समय की बात, गौतम बुद्ध के समय की बात है। उस समय होता यह था कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो एक विशेष तरह का कर्मकांड किया जाता था। उसका अर्थ ये था कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती तो पंडित ब्राह्मणों को बुलाया जाता, ब्राह्मणों को बुलाया जाता और वो ब्राह्मण आते, घड़े में कुछ पत्थर रखते, एक घड़ा होता मिट्टी का, उसमें कुछ पत्थर रखते और फिर उस पर हथौड़े से वार करते। उसका अर्थ ये था, ब्राह्मण ये बोलते थे कि अगर ये घड़ा टूटा, अगर ये घड़ा टूटा और पत्थर बिखर गए तो ये जो आत्मा है ये इसकी शुद्धि हो जाएगी और ये स्वर्ग में प्रवेश कर जाएगी, अन्यथा ये नरक में जाएगी। तो बहुत दिनों से ऐसा चलता आ रहा था, ब्राह्मण आते घड़े में पत्थर रखते और घड़े पर हथौड़ी से वार करते।
हथौड़ी से वार करते गड़ा टूट जाता और इसका वो बहुत सारी दान दक्षिणा लेते कि हमने आपके प्रियजन की आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया है, तो वो बहुत सारा पैसा, बहुत सारी दान दक्षिणा उनके परिजनों से लेते थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन एक बार हुआ कुछ यूं, एक युवक के पिता की मृत्यु हो गई, एक युवक के पिता की मृत्यु हो गई, तो उस युवक ने ब्राह्मणों के पास जाने से पहले भगवान बुद्ध के पास जाना ठीक समझा। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान बुद्ध बहुत ज्ञानी है, महाज्ञानी है, उनसे जाकर के पूछूंगा कि भगवान मुझे अपने पिता की आत्मा को स्वर्ग में भेजना है तो आप ही कोई रास्ता बताइए। युवक पहुंच गया भगवान बुद्ध के पास और उनसे पूछा कि महात्मन, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे पिता की आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो ब्राह्मण करते हैं वही काम तुम करो, लेकिन तुम कुछ अलग करो। तुम दो घड़े लो, एक में पत्थर डालो और एक में घी डालो, दोनों को ऊपर से बांध कर और नदी में छोड़ दो। नदी में उनको इतना डुबो दो कि सिर्फ उनका ऊपर का हिस्सा दिखे, अंदर से वो ना दिखे। और जैसे ब्राह्मण अपना पूरा काम कर दें, तुम उन घड़ों को वहीं तोड़ देना। बिल्कुल युवक ऐसा ही करता है, दो घड़े लेता है, दोनों में एक में पत्थर डालता है, एक में घी डालता है, नदी में जाकर के उनको डुबो देता है, ऊपर का हिस्सा उनका दिखता है। कुछ देर जाप, जैसे पंडित जाप करते हैं उस तरीके से कुछ मंत्रों का उच्चारण वो करता है और दोनों घड़ों को वहीं तोड़ देता है। एक में जिसमें पत्थर होते हैं, पत्थर नीचे नदी के तल में जाकर के जमा हो जाते हैं और जो घी होता है वो नदी के ऊपर तैरने लगता है और नदी की बहाव के साथ बहने लगता है। युवक वापस महात्मा बुद्ध के साथ जाता है, पास जाता है और कहता है, महात्मन जैसा कि आपने बोला था वैसा मैंने कर दिया है, मैंने दोनों घड़ों को पानी में डुबाया और दोनों को मंत्र उच्चारण के बाद मैंने दोनों को तोड़ दिया, अब बताइए। तो युवक से पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि क्या हुआ, जो पत्थर थे वो कहाँ गए और जो घी था वो कहाँ गया। युवक बताता है कि जो पत्थर थे वो नदी के तल में जाकर के जमा हो गए और जो घी था वो नदी के बहाव के साथ नदी के ऊपर नदी के साथ साथ बहने लगा। अब महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि जो ब्राह्मण थे, जो पंडित थे, जो पुजारी थे, जो आत्मा की शुद्धि कराते हैं, आत्मा को स्वर्ग में भेजते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, उनसे जाकर के तुम आग्रह करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो कुछ ऐसा करें, वो कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें या फिर कुछ ऐसा चमत्कार करें कि जो पत्थर हैं वो नदी के ऊपर तैरने लगे और जो घी है वो नदी के तल में जाकर के जमा हो जाए। युवक ने कहा, महात्मा कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, पत्थर कभी पानी के ऊपर नहीं तैरेंगे और घी कभी तल में जाकर के जमा नहीं होगा। बिल्कुल, महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल यही बात पुत्र, यही बात वत्स मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। पत्थर कभी नदी के ऊपर नहीं तैरेंगे और जो घी है वो कभी उसके तल में जाकर के जमा नहीं होगा। उसी तरह से व्यक्ति ने जो अपने जीवन में कर्म किए हैं, व्यक्ति ने जो जीवन में अपने कर्म किए हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो उन्हें अपने आप स्वर्ग मिल जाएगा और अगर उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो अपने आप उन्हें नरक मिल जाएगा। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई ब्राह्मण उसकी शुद्धि कर सकता है, ना कोई पंडित, कोई भी व्यक्ति इस धरती पर उस आत्मा की शुद्धि नहीं कर सकता, कोई भी उनके कर्म को बदल नहीं सकता। जो जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा फल ही भोगना पड़ेगा। तो अपने जीवन में अगर आपको मरने के बाद स्वर्ग चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद लोग आपको पूजें, लोग आपका सम्मान करें जाने के बाद भी, तो कर्म ऐसे कीजिए कि लोग आपका सम्मान करें, लोग आपकी पूजा करें, क्योंकि आपके जाने के बाद उन कर्मों को बदलने वाला ना तो इस धरती पर कोई है, ना इस ब्रह्मांड में कोई है। अगर उन्हें बदल सकते हैं तो वो हैं आप खुद। तो शुरुआत कीजिए आज से, हर किसी को प्यार बांटिए, हर किसी को सम्मान दीजिए, ताकि आपके जाने के बाद वही प्यार, वही सम्मान लोगों के दिलों में आपके लिए बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी तपन जी, प्लीज कंटिन्यू। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सर आपका। जी दोस्तों, जैसा कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो हम ज्यादातर आज जो हमारा समाज है, ये अंधविश्वास में ज्यादातर लोग
रहते हैं, ज्यादातर लोग पंडित और पुजारियों के चक्कर में अपने आप को झोंक देते हैं, जो वो कहते हैं उस पे आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। तो हमें अंधविश्वास में नहीं रहना है, हमें अपने कर्म पे विश्वास करना है। तो शानदार नितेश सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने हमें बताया, तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज शानदार सेशन का समय हो चुका है, तो मैं नरेश सर को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये आज होस्टिंग का मौका दिया, और नरेश सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। तो आप सभी के शानदार तालियों के साथ, फूलों के बरसात के साथ हम नरेश सर का स्वागत करेंगे। तो वेलकम नरेश सर, आज का जो हमारा जो टीचिंग का समय हो चुका है, तो आप आए और हमें आज का पाठ पढ़ाए। जी नरेश सर, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपका, दिल से आभार। और लीडर्स, आप सभी से मेरा निवेदन है कि 5 बजे हम सेशन को, 5:30 बजे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और 5 बजे हमारा लिंक ओपन हो जाता है। और अगर आप इस सेशन में शुरुआत से नहीं आते हैं तो आप बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी सुंदर और प्यारी प्यारी जो हमारे यहाँ पे एक्टिविटी होती है, जो प्रार्थनाएं होती हैं, जो प्यारा सा भजन होता है, जो गायत्री मंत्र होता है, जो माँ शारदे को हम नमन करते हैं, राष्ट्रभक्ति हमारे मन में मन से हम उत्प्रोत होते हैं राष्ट्रभक्ति से, वो सब चीजें आपसे छूट जाती हैं, कहीं ना कहीं हम अधूरे रह जाते हैं। तो आप सबसे मेरा दिल से यही निवेदन है, मन से यही निवेदन है कि आप 5 बजे लिंक शुरू होता है तो आप 5:30 बजे तक जरूर जरूर इसको ज्वाइन करें और अपने साथियों को जरूर बताएं इस विषय में कि हमारा सेशन पहले 5:50 पे स्टार्ट होता था, अभी सिर्फ 20 मिनट पहले यानी कि 5:30 बजे हम इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। वो इसलिए जिससे हमारे साथियों को, क्योंकि सेशन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट है और हम हर एक साथी को आगे लेकर आना चाहते हैं, हम सबको मौका देना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया कि 20 मिनट पहले हम स्टार्ट करें और आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, आप सभी लोग अपने दिल की बात रख सके, अपने मन की बात रख सके। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जैसे ही लिंक स्टार्ट हो आप अपनी टीम को, अपने लोगों को कॉल करिए, उनको जगाइए, जो नींदों में है, जो सोए हुए हैं, जो खोए हुए हैं, उनको जगाइए, उनको याद दिलाइए कि सुबह सवेरे अगर हम जल्दी उठते हैं, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो जादू ही सुबह का जादू हमारे जीवन में चलना शुरू हो जाता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका आस पड़ोस, आपका समाज, आपका देश और ये दुनिया खूबसूरत हो, शानदार हो और सभी मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, तो जरूरी है कि हम सबसे पहले जिम्मेदारी अपनी लें और उसके बाद हम अपनों की जिम्मेदारी लें, एक्टिव होकर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को निभाएं। हर घर में आर्थिक आजादी के साथ हर घर में हमें सकारात्मक विचार भी पहुंचाने हैं, अच्छी सोच भी पहुंचानी है और एक प्रेम भाव वाला माहौल हमें बनाना है। इस फैमिली में जितने साथी हमारे साथ आते हैं, जितने साथी हमारे साथ हैं, उन सब को मैं नमन करता हूं, आप सब हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, आप सब के अंदर परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने कुछ खास डाला हुआ है, हमें सिर्फ अपने अंदर झांकना है, उसे ढूंढना है और अपने आप को तराशना है। और मेरा निवेदन है आपसे कि जैसे जैसे आप आगे आएंगे, जैसे जैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके अंदर कुछ भी खास है तो आप उसको निकाल कर लेकर आइए सामने और हम उसको संवारेंगे, हम उसको निखारेंगे, ईश्वर की कृपा से बेहतरीन बनते चले जाएंगे। लीडर्स, मैं आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका दोस्त, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं हूं ना, ये सब आपको मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने टीम में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने देश में, जहां भी किसी व्यक्ति को ये लगे कि इसको जरूरत है हमारे साथ की, तो ये शब्द जरूर दोहराइएगा। आप ये शब्द जब उस किसी अपने से या किसी भी साथी से कहते हैं कि मैं हूं ना, तो एक जो आत्मविश्वास मिलता है, एक जो प्रेरणा मिलती है, एक हिम्मत जो आती है, वो अपने आप में कारगर होती है, बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो कहते हैं ना, मारवाड़ी में हमने सुना भी है
कि बोली का साथ भी बहुत होता है। जब आप किसी को बोलते हैं, जब आप अपने शब्दों में और अपने विश्वास के साथ किसी के साथ हिम्मत बढ़ाते हैं, किसी की आप हिम्मत जताते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आप आगे बढ़िए, आप कामयाब हो सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर आप ये शब्द भी किसी को बोलते हैं तो ये मान के चलिए कि आपने वापस से उनके अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत बहा दिया है और वो खुद अपनी जंग को जीत जाएंगे। बस आपको उसे विश्वास दिलाना है और ये विश्वास के शब्द, ये ताकत जो आप उन्हें दे रहे हैं, उसके बदले में जो आपको खुशी मिलेगी, उसके बदले में जो आपको जीवन में आपको जो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी वो अनमोल है। लीडर्स, लोगों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपनी टीम से, अपने क्लाइंट से आप रोजाना कहना शुरू कीजिए। जब भी कोई किसी से बात हो रही हो, जब भी कोई नेगेटिव हो रहा हो, जब भी कोई नकारात्मक हो रहा हो, जब भी लाइफ में किसी के उतार चढ़ाव आ रहे हो, जब भी किसी को परेशानी हो रही हो, उस वक्त आप कह के देखिए, किसी के कंधे पे हाथ रख के, किसी के हाथों में हाथ डाल के, किसी से गले मिल के आप उनको कह के देखिए मैं हूं ना। जब आप ये शब्द कहेंगे तो सीरियसली सामने वाले के चेहरे पे जो मुस्कान होगी वो अनमोल होगी और उस मुस्कान के बदले जो आपको मुस्कान मिलने वाली है वो अनलिमिटेड होगी। तो आप जैसा देते हैं वैसा ही प्रकृति आपको मल्टीप्लाई करके लौटाती है। तो हमेशा याद रखिए, कृतज्ञ रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, लोगों को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, वही आपके पास मल्टीप्लाई होकर लौट कर आने वाला है। साथियों, आज के लेसन में मैं आपको आगे लेके चलना चाहूंगा और एक छोटा सा प्यारा सा निवेदन करना चाहूंगा कि 2 साल से लेकर 100 साल तक के बच्चों को इस सेशन में जरूर जरूर लेकर आए। चलिए, आज के जो हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं, वो है मिस्टर रिजवान एजाजी। हमें सिखाते हैं जिंदगी जीने का अंदाज और आज हम सीखेंगे एक इस सृष्टि में एक ऐसे जीव से जिसको नॉर्मली हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत वफादार होता है और जहां वफादारी की बात आती है वहां पे वो नाम हर किसी के जहन में आ जाता है। आज हम उनसे सीखेंगे, आज उस जीव से हम सीखेंगे और बहुत प्रेरणादायी ये आज का लेसन है, इसको अपने जीवन में उतारिएगा। लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है कुत्ते से सबक। यस माय डियर फ्रेंड, कुत्ते से सबक। हमें सबक लेना है, हमें सीखना है और किस तरह से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह का हमने जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए वो आज हम सीखेंगे कुत्ते से। मनुष्य समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है, उसका जीवन स्वयं के बलबूते पर हरगिज नहीं चल सकता, उसे इस कारण अपने संबंधों को विस्तार देना ही होगा। नए संबंध बनाना जितना मुश्किल काम है, पुराने संबंधों को बनाए रखना उससे भी मुश्किल है। और संबंध कैसे बनाए रखे जा सकते हैं, ये सीखा मैंने सेगी से। सेगी उस पामेरियन कुत्ते का नाम है जिसे मेरी छोटी बेटी शिफा अपने जन्मदिन पर रो रो कर हमें ब्लैकमेल करके घर ले आई। सेगी उनके पालतू कुत्ते का नाम है जो उनकी बेटी ने अपने जन्मदिन पर रो रो कर ब्लैकमेल करके अपने घर पे ले आई। पहले मैं कुत्तों से बहुत चिढ़ता आज भी हूं जब लोग उन्हें कार में अगली सीट पर शान से बिठाकर घुमाने ले जाते हैं या महिला पुरुष गोदी में उठाए कुत्ते को चूमते हुए दिखाई देते हैं, बिस्तर सोफे पर साथ बिठाते हैं, साथ खिलाते हैं। एक दिन मैं बेहद खराब मूड में घर घुसता हूँ, हमेशा की तरह वह जोश से मुझ पर लपकने का प्रयास करता है। वह अपेक्षा कर रहा था कि मैं उसे पुचकारूंगा, परंतु मैं उसे डांट कर दुत्कार देता हूँ। पूछ दबाकर सेगी एक कोने में सिमट कर चुपचाप बैठ जाता है और नाराज उदास निगाहों से एकटक मुझे देखे जा रहा है। मैं सोफे पर निडाल बैठ जाता हूँ, पानी वगैरह पीकर जब थोड़ा सामान्य होता हूँ तो अनायास निगाह फिर उस पर पड़ती है। वह अभी भी उसी स्थिति में बैठा हुआ मुझे नाराजगी से देखे जा रहा है। मैं उसे देखकर मुस्कुरा जाता हूँ। वह तुरंत अपने स्थान से खड़ा होकर दौड़कर मेरे पास आकर मेरे पांव पर बैठ जाता है। एक मुस्कान से उसकी नाराजगी अब खत्म हो चुकी है। मैं स्नेह से उसकी पीठ थपथपा देता हूँ। एक जानवर कितना अच्छा सबक दे गया। एक हम है चेहरे पर दोहरा आवरण ओढ़े हुए संबंध बनाए हुए हैं। जरा जरा सी बात पर अपने संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों, सहयोगियों से नाराज होकर उनसे दूरियां बना लेते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं। कई बार तो यह चुप्पी महीनों, सालों, जीवन भर कायम रहती है। कितना हम अपनी अपनी ही बनाई हुई दीवारों में कैद हो जाते हैं।
कितना हम अपनी ही बनाई हुई दीवारों में कैद हो जाते हैं, हमारी हेकड़ी हमारा अभिमान इतना सिर पर सवार हो जाता है कि हम संबंधों में स्थायी दीवार तक बना लेते हैं। हमारी कार मोटरसाइकिल या किसी बेजान मशीन में खराबी आ जाती है तो हम उस निर्जीव वस्तु को तुरंत ठीक करवाते हैं, वहां हमारा अभिमान जागृत नहीं होता है। चाहे उसमें गलती उस मशीन की हो, मशीन की ही क्यों नहीं हो, परंतु पहल हम ही करके ठीक कराते हैं। और यही खराबी हमारे किसी जीवित निकट संबंधों में आती है तो हम गलत फहमी के चलते, अपने झूठ अहंकार के चलते पहल नहीं कर पाते हैं और अपने मित्रों संबंधियों सहयोगियों पड़ोसियों को खो देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा था मैंने अपने एक मित्र के विवाह में। विवाह के समय उसके माता पिता जितना समय विवाह की तैयारी में लगा रहे थे उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा समय उन रूठे हुए रिश्तेदारों को मनाने में लगा रहे थे जिन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम विवाह में शामिल नहीं होंगे। क्या आप इन हालात से रूबरू नहीं होते हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। क्या आपने अपनी इसी आदत के कारण अपने किसी प्रिय से दूरी नहीं बना रखी है? ये सवाल है मेरा आपसे। क्या आप इसी कमी को बर्दाश्त नहीं करते हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। क्या आप इस उसी की पहल का इंतजार कर रहे हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। क्या आप स्वयं अपनी तरफ से पहल कर बड़प्पन जाहिर नहीं कर सकते हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहनें, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी तरफ से पहल करें, अपने बिगड़े हुए रिश्तों को या जिन रिश्तों में दूरी है, खटास है, उन रिश्तों को आप प्यार दे, सम्मान दे और अपनी तरफ से पहल करके वापस उन रिश्तों को आप महकाने के लिए, बनाने के लिए तैयार हो जाए। और सबक लीजिए कुत्ते से, वो नाराज था, किसी कोने में जाके बैठ गया था, लेकिन जैसे ही रिजवान साहब उसकी तरफ मुस्काए वो वापस उसके पास आकर बैठ गया और वो उसको दुलारने लग गए। तो इसी तरह का रिश्ता हमारा भी अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपनी टीम में, अपने डाउनलाइन, अपने अपलाइन के साथ होना चाहिए कि हम एक दूसरे को प्यार दे, सम्मान दे। अगर किसी वजह से, किसी कारण से कभी हमारे बीच में कोई दूरी आ भी गई है तो अपनी तरफ से पहल करके उस दूरी को खत्म करें। दिल से धन्यवाद आप सभी का और एक बार फिर से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सब इतने प्यारे हैं, इतने शानदार हैं, इतने जबरदस्त हैं, कामयाब हैं, आप करोड़पति अरबपति हैं और सिर्फ पैसों से ही नहीं, आप दिल से, आत्मा से, मन से, विचारों से करोड़पति अरबपति हैं। आप इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान है, हम इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान है और इसी बेहतरी को हमें पूरी दुनिया में फैलाना है और अपने इस परिवार को हमें बढ़ाते चले जाना है। तो आपको सबको मैं जिम्मेदारी देना चाहूंगा, कल के दिन में, आज हम 59 पार्टिसिपेंट्स हैं, कल के दिन में आप पूरी जान और पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रयास से कोशिश करेंगे कि आप एक साथी को कम से कम अपने साथ ज्वाइन करवाएं। कोई अगर ज्यादा करवाता है तो वो अपने आप में खुद अपने लिए एक एग्जांपल सेट करेगा कि हाँ, मैं औरों से ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। और कल मैं सेशन के एंड में आपसे पूछूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि किस साथी ने कितने पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करवाया है आज के सेशन में। तो लीडर्स, अभी आज हम 59 है, कल मैं चाहता हूँ कि आज के सेशन की बजाय कल के सेशन में जब हम आए तो हमारी यहाँ पे काउंटिंग जो है वो हमारी शतक पूरा होना चाहिए। मोदी केयर प्रीमियर लीग चल रहा है, आज आखिरी दिन है पहली इनिंग्स का, अपने अपने 50 और अपने अपने शतक बनाइए, दोहरे शतक बनाइए, तीहरे शतक बनाइए और अपनी टीम को भी खेलने का मौका दें, उनको भी खिलाएं, कम से कम 50-50 रन सबके बनवाए, 50-50 पीवी सबके करवाए। तो हम यहाँ पे 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि कल ये सेशन हाउसफुल हो। अगर आप शिद्दत से, ईमानदारी से चाहते हैं कि ये सेशन इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहे, हम सब लोग इसी तरह से मिलते रहे और ये जादू, सुबह का जादू हमारे जीवन में जादू बरसाता रहे, तो आज बिलिंग के साथ साथ, आज हमारी टीम में एमपीएल खेलने के साथ साथ, चौके छक्कों की बारिश के साथ साथ, आपके साथ मिलने वाले या आप जिन भी साथियों से बात करते हो उन सब से आप जरूर इस सेशन के विषय में बात करेंगे और उनको इन्वाइट करेंगे। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, कुत्ते से जो हमने सबक लिया है उसको हमें अपने जीवन में उतारना है और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने शब्दों को यही विराम दूंगा और अपनी वाणी को मैं ऊर्जा दूंगा। दिल से धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओवर टू यू पवन जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू नरेश सर, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आपका।
दिल से धन्यवाद सर, आज का जो आपने हमें शिक्षा दी, जो लेसन पढ़ाया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हम पैसे से बड़े नहीं होते, दिल से बड़े होने चाहिए। दिल में हमारे लिए सब सबके लिए हमारे दिल में सबके लिए प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए, सबको अपने दिल में जगह देना चाहिए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, यही हमारे लिए काम आती है आगे। तो नरेश सर आपका दिल से धन्यवाद जी, धन्यवाद 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 सर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा जो समय हो चुका है, अब मैं सुरेंद्र सर को इनवाइट करना चाहूंगा। दोहों का टाइम समय हो चुका है, तो सुरेंद्र सर वेलकम, आप हमें अपने दोहे से, अपने ज्ञान के भंडार से कुछ अच्छे दोहे सुनाए और हमें लाभान्वित करें। तो सुरेंद्र सर वेलकम, आपका स्वागत है सर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुड मॉर्निंग लीडर्स, नमस्कार दोस्तों। मैं कुमार स्वामी हैं और नौहर तहसील के बावलदेसर ग्राम से बिलोंग करता हूं। हाल ही में सावा रहते हुए अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। दोस्तों परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से आज का जीवन, आज की प्यारी सी सुबह फिर से एक बार मिली। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुओं का जिनकी वजह से ये बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म मिला। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आज आपको एक ऐसे श्लोक की तरफ जहाँ पर हम बहुत कुछ यहाँ से सीखने वाले हैं। मैं आपके बीच में भी तीन श्लोक रखूंगा और तीनों के तीनों बहुत ही जबरदस्त हैं, आप खुद समझ जाएंगे वो कहाँ से लिए गए हैं। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावक न चेन कलेद्यम त्यापो न शोषति मारुत। दोस्तों इसका अर्थ ये कहा गया है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है, और आत्मा तो अजर और अमर है और शाश्वत होने की बात यहाँ पर की गई है। यानी कहते हैं आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा सो परमात्मा। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि अगर सच्ची आत्मा के साथ अगर हम लगे रहेंगे तो इस आत्मा को न कोई काटेगा, न उसे कोई जला पाएगा, न उसे कोई भिगो सकता है और न उसे कोई हवा सुखा सकती है। तो बिल्कुल दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये दोहा कहाँ से लिया गया है। और आगे एक और दोहा मैं आप बीच में रखने जा रहा हूं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानीर भी भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सर्जाम्यहम्। दोस्तों जब जब धर्म का लोप हुआ है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, मैं धर्म के उत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ और अवतार लेता हूँ। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थाप्य निर्धारम संभावमि युगे युगे। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं युगो युगों में प्रत्येक युग में जन्म लेता हूं और जहां जहां पर इसकी जहां जहां पर विनाश और दुष्कर्मी अवतार लेते हैं मैं विनाशक के रूप में यहां पर उपस्थित होता हूं और अपने इस जीवन को जी। थैंक यू वेरी मच
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। जी धन्यवाद सुरेंद्र सर, आपका दिल से धन्यवाद। आपने श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत के जो श्लोक सुनाए हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपने हमें बताया, हमें ज्ञान दिया, तो इसका इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद सर। आई होप कि हमारे साथ जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं इसका बहुत ही अच्छा लाभ उठाएंगे, जो माध्यम से जो सुरेंद्र सर हमें बताना चाहते हैं, तो वो हमें अच्छी तरह से उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। तो धन्यवाद सुरेंद्र सर, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा समय हो चुका है, हमारे एक लिटल मास्टर है, लिटल जीबीडी है, हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं। तो आप सभी के शानदार तालियों के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे। तनय बरुआ जी हैं हमारे लिटल जीबीडी, तो वेलकम तनय जी, आपका स्वागत है, आप आइए। और आज का जो हमारा अफर्मेशन है और आज के बारे में बताए, तो वेलकम वेलकम ऑन द स्क्रीन। जिंदगी कैसे करना है, आगे सब धन्यवाद करते हैं सभी के। धन्यवाद सर जोशी बाबा, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग का लीडर्स एंड गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, माय नेम इज तनय बरुआ, माय फादर नेम इज तपन कुमार बरुआ, माय मदर नेम इज मीना बरुआ, I am 6 years old. I live in Delhi. I study in Aravali International School, Faridabad, grade 1st A. Dosto, aaj ka suvichar. Zindagi mein haar aur jeet. Zindagi mein haar aur jeet hamari soch banati hai. To hamari soch banati hai. जो मान लेता है वो हार जाता है, जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। धन्यवाद आज का पंचशील मंत्र, पाराती पाता वेर मणि सिख बदन समधियानी, अर्थात मैं किसी भी जीव सत्य की हिंसा या हत्या ना करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अदिन्न दाना वेर मणि सिख बदन समधियानी, अर्थात मैं दूसरों की किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खवदं समुद्यामि, मैं किसी का तृष्णा से बसीभूत होकर अनैतिक विचार नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मूसा वादा वेर मणि सिख वदन समधियामि, अर्थात मैं जान बूझ कर झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की चुगली नहीं करूंगा एवं निंदा नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब मादक द्रव्य या नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु, मैं इन पांचों प्रतिज्ञाओं का भली भांति पालन करूंगा। बोलो ना सॉन्ग आज के ना। टुडेज अफर्मेशन रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। I am the best. मैं सबसे अच्छा हूँ।
आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ. टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है. आई एम अ विनर, मैं एक विजेता था, विजेता हूँ, विजेता रहूंगा. God is always with me, God is always with me, भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है. जी तने बेटा, तपन सर, तपन सर. जी सर. जी, हमारा लिटिल स्टार कुछ गाना चाहता है, कुछ सुनाना चाहता है. यस, सॉन्ग सुनाना चाहता है. यस यस यस, क्या बात है, क्या बात है, वाओ, सो स्वीट, सो स्वीट. जी जी बेटा, सबसे पहले जी जी, सबसे पहले मैं पापा से बात करना चाहूंगा. पापा, आपके जो पापा है उनसे बात करना चाहूंगा. तपन सर, आज कैसा लगा आपको हमारे ग्रेट जीबीडी लिटिल स्टार को स्टेज पे इनवाइट करते हुए, कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार सर, एकदम दिल खुशी से गदगद हो चुका है. और आज का जो हमारा, मेरे लिए जो आज का समय है, बहुत ही शानदार शुरुआत हुई मेरे साथ. और जो हमने होस्टिंग की, होस्टिंग के दौरान जो मैंने अपने लिटिल स्टार को इन्वाइट किया, इसके लिए मैं क्या कहूँ, दिल से धन्यवाद आपका सर कि आपने मुझे ये मौका दिया. और सभी लीडर से निवेदन करूंगा, सभी आगे आए और आगे आकर के अपने बच्चों को आगे लाए और ला करके उसको जितना हो सके बढ़ावा दे. जब तक हम बोलने की इसको प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे. उनको आगे बढ़ाना अपने पेरेंट्स के एक जिम्मेदारी होता है, तो उसको आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को लाए सेशन में और लाने के बाद उनको आगे बढ़ाएं. तो आगे तने बेटा, आप जी, जो भी सॉन्ग सुनाना चाहते हो, दीपावली के सॉन्ग सुनाना चाहते हैं. तपन सर, बहुत सही आपने कहा, बहुत सही कहा. और मैं देख पा रहा हूँ, हम सब भी देख पा रहे हैं कि आप जितना प्रेरित करते हैं तने बेटा को, उसी तरह से तने बेटा की जो मम्मा है वो उसको बहुत सिखाती है, प्यार से, पुचकार के, दुलार के, डांट के. उनका प्यार और उनका आशीर्वाद भी बहुत सारा मिलता है. और ये जो स्माइल है, ये जो चेहरे पे जो खुशी है, जो तेज है, इसके हम सब बहुत बड़े कायल हैं. दिल से धन्यवाद. जी तने बेटा, मामा को भी दिल से धन्यवाद, पापा को भी दिल से धन्यवाद, आपको दिल से धन्यवाद. अब आपका हम प्यारा सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे. आने दीजिए, प्लीज कंटिन्यू. धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार. दिवाली रोशनी वाली, सब त्योहार की रानी. धन्यवाद. वाह वाह वाह, क्या बात है. थैंक यू सो मच बेटा. एक बार मुस्कुरा के दिखाओ. थैंक यू सो मच जी. ओवर टू यू तपन जी. जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू तने बेटा, आपका दिल से धन्यवाद कि आप एक इस मोदी केयर फैमिली में, एक बहुत ही शानदार इस शानदार परिवार में आप एक चमकता हुआ सितारा हो. तो हमारा दिल से आशीर्वाद है आपके लिए कि आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहें और उसको, उस अचीवमेंट को आप हासिल करें. तो थैंक यू वेरी मच. और लीडर्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारे बीच में जो पंचशील मंत्र होता है, ये पंचशील मंत्र के बारे में मैं एक मिनट में बताना चाहूँगा. ये जो पंचशील मंत्र है, ये एक भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है. और ये जो पंचशील मंत्र का जो भाषा है, वो पाली भाषा में ये पंचशील मंत्र दिया गया है. तो
तो बताना चाहूंगा कि जो पाली भाषा है हमारे भारत की बहुत ही पुरानतम, तकरीबन 5000 साल पुरानी भाषा है, जो अब विलुप्त के हो चुका है। और इस भाषा, ये इतना कठिन भाषा है, इसको सरल बनाने के लिए पाली भाषा का रूपांतर संस्कृत में किया गया था। तो ये जो मंत्र है, तनय बेटा ने जो भी मंत्र दिया, ये पाली भाषा में दिया गया मंत्र है। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा जो समय हो चुका है कविता का, सॉरी, तो मैं मंजू मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे मंजू मैम को दिल से धन्यवाद, और मंजू मैम को फूलों के स्वागत के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मंजू मैम आप आए और हमें अपनी शानदार कविता की पिटारी से एक शानदार सा कविता सुनाए। तो मंजू मैम वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने ऐसा डायमंड हमें दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब तने बेटा आता है ना स्क्रीन पे, तब मैं तो मतलब चैटिंग भी नहीं कर पाती हूँ, मैं उनके लिए कमेंट्स भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे उसको देखना होता है और एक बस टकटकी लगाए तने बेटा मैं आपको देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। यूं लगता है बस आप मेरे सामने ही बैठे हो, और ये मुझे नहीं लगता है, ये हर एक लीडर को लगता है। तो थैंक यू तपन जी भाई साहब, आपको दिल से धन्यवाद। और जी मैम, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है, कह रहा हूँ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है कि हमारा बच्चा जो है इस तरह से मुस्कुराता है सेशन में आकर के, इतनी खुशियां उसे मिलती है, इतनी आशीर्वाद मिलता है, यही उसका चमकता है चेहरे का राज है। तो कंटिन्यू मैम। जी सर, जी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, ऐसा डायमंड हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, नाम मंजू डिगरवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में सेशन है वो जादुई सेशन है। इस सेशन में जो भी दिल्ली आते हैं, वास्तव में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा जादू होता जा रहा है, हो चुका है। मेरी जिंदगी में मुझे बहुत बड़ा जादू फील हो रहा है, और आपकी जिंदगी भी बदलने वाली है। तो हर रोज आइए और अपने साथियों को लेके आइए। इस सेशन में जितने भी साथी बने हैं ना, वो सभी मेरे गुरु हैं, मैं मानती हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी मैं अपने गुरु मानती हूँ। तो सभी गुरुओं को दिल से प्रणाम, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे महागुरु को। और मैं महागुरु के लिए पहले दो लाइनें बोलना चाहूंगी कि आपकी रजा में गुरुदेव रहना आ जाए, आपकी रजा में गुरुदेव रहना आ जाए, दुनिया जो भी कहे हमें सहना आ जाए। ऐसी दो शक्ति हमें गुरुदेव, खुद चिराग बनकर जलना आ जाए, खुद चिराग बनकर चलना आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आज 10 तारीख है और आज हमारे क्लोजिंग है, और क्लोजिंग के साथ साथ एक हमारा बहुत ही शानदार हमारा एक प्रोग्राम भी है जो दिगर ऑफिस में है दोनों। तो आप सभी वहाँ पे थे, आज हमारे ग्रेट गुरु रविशाल जी सर, वो अपनी बच्चों को उनके बर्थडे पे मोदी के से गिफ्ट कर पहले से है, लेकिन वो एक बहुत प्यार खरीद के अपने मैडम को गिफ्ट कर रहे हैं, ताकि मोदी के लिए है। आप आइए उस सेलिब्रेशन में और फील कीजिए, जहाँ पे थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। जी सर, अभी अभी सही आ रही है। हेलो, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है आवाज, थोड़ी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, कट कट के आ रही है। हेलो सर, अभी अभी आ रही है, आ रही है मैम, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी सर, जी सर, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज मोदी के ट्रेनिंग सेंटर झुंझुनू में आप आइए, और हमारी कार का सेलिब्रेशन है उसको एंजॉय कीजिए, अपने टीम के साथ आइए। और नरेश जी सर, आपको दिल से धन्यवाद, आप हमेशा हमें जिंदगी का नया लेसन सिखा के जाते हैं, जिंदगी का नया पाठ सिखा के जाते हैं। सर, कंटिन्यू आ रही है ना मेरी आवाज? जी मैम, कंटिन्यू आ रही है, आ रही है। जी सर, जी सर, थैंक यू। तो आगे मैं चलती हूँ मेरी कविता पे, और मेरी कविता का शीर्षक है मौज लो, रोज लो और खोज लो। दोस्तों, जिंदगी एवरेज चाहिए या बेहतरीन चाहिए,
जिंदगी एवरेज चाहिए या बेहतरीन चाहिए आपके हाथ में है। आप सोच दिन आनंद से जियो, खुशियों की मौज लो, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, अपने गुरुओं से सकारात्मक विचारों की डोज लो। नहीं मिले तो खोज लो, दिन भर करो मेहनत, दिन भर करो मेहनत, सुबह शाम प्रोटीन युक्त भोज लो, संभव हो तो प्रतिदिन ग्रीन टी का डोज लो, हर दिन आनंद से जियो, खुशियों की मौज लो, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। यस दोस्तों, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। कामयाबी पाने के लिए और दिलाने के लिए अपने साथ में योद्धाओं की फौज लो। योद्धा बाजार में नहीं मिलेंगे, योद्धा बाजार में नहीं मिलेंगे, अपनी लगन और ईमानदारी से उन्हें तुम खोज लो। हर दिन आनंद से जियो, खुशियों की तुम मौज लो, हंसते रहो हंसाते रहो, हंसते हुए चेहरे का एक पोज लो, हंसते रहो हंसाते रहो, हंसते हुए चेहरे का एक पोज लो, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। थैंक यू। और आज को आज आपको एक छोटी सी एक कविता और सुनाना चाह रही हूँ हमारे मोदी केयर फैमिली जी, मंजू जी सर जी। मंजू रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो, वंस मोर प्लीज। आपके आवाज जी, वंस मोर प्लीज सर। मैं अभी क्लियर आ रही है, नहीं तो मैं वाईफाई से कनेक्ट करती हूँ बेटे वाले वाईफाई से। जी एक बार वाईफाई से कनेक्ट कीजिए। हमें रोज लेना है, मौज लेना है, और अगर नहीं मिले तो हमें खोज लेना है, इसलिए वाईफाई से कनेक्ट कीजिए, हम खोज लेंगे। बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही सुंदर कविता, और इस कविता में लीडर्स जीवन का सार छुपा हुआ है। इस कविता में जीवन का सार छुपा हुआ है। खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जाती, खुशियां आपको महसूस करनी होती है, खुशियां आपको जीनी होती है। थैंक यू सो मच मंजू जी, प्लीज कंटिन्यू। जी सर। दोस्तों, जिंदगी एवरेज चाहिए या बेहतरीन चाहिए ये आपके हाथ में है, सोच लो। हर दिन आनंद से जियो, खुशियों की मौज लो, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, अपने गुरुओं से सकारात्मक विचारों की डोज लो, अपने गुरुओं से सकारात्मक विचारों की डोज लो, संभव हो तो ये डोज हर रोज लो, छुपा है वो कहीं अपने ही भीतर, उस सफल प्राणी को खोज लो। हर दिन आनंद से जियो, खुशियों की मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। हर दिन दिन भर करो मेहनत, दिन भर करो मेहनत, सुबह शाम प्रोटीन युक्त भोज लो, संभव हो तो प्रतिदिन ग्रीन टी का डोज लो, हर दिन आनंद से जियो, खुशियों की तुम मौज लो, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। कामयाबी पाने और दिलाने के लिए अपने साथ योद्धाओं की फौज लो। योद्धा बाजार में नहीं मिलते, अपनी लगन और ईमानदारी से तुम उन्हें खोज लो। हर दिन आनंद से जियो, खुशियों की तुम मौज लो, हंसते रहो हंसाते रहो हमेशा, अपने हंसते हुए चेहरे का एक पोज लो, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मौज लो हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और मैं एक छोटी सी कविता और है वो और आपको सुनाना चाह रही हूँ। हमारे मोदी केयर परिवार में एक छोटी सी गुड़िया है जो हमारे नाइट वाले सेशन में आती है, उसका नाम है आरजू, और हमारी नीतू बेटी है, उतनी बड़ी है वो। और मैं हमारे सेशन में जितने भी बच्चे हैं, नीतू है, तने बेटा है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बर्थडे डेट है वो चैट बॉक्स में डाले, मैं उनपे भी कविता बनाऊंगी। आज आरजू बेटा का बर्थडे है तो मैंने उसको गिफ्ट में ये कविता देने का, मतलब रात को मेरे को विचार आया कि मैं क्यों ना आरजू बेटा पे कविता बनाऊं। और जैसे ही मैंने कलम उठाया तो आप सभी गुरुओं के आशीर्वाद से, सभी गुरुओं के प्यार से,
अपने आप कलम चलता गया और मैंने आरजू बेटा पे कविता बनाई है, बहुत प्यारी सी है, शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी। और शाम को जब मैं आरजू बेटा को दूंगी और दिन में वहां पे मिलूंगी तब भी मैं उसको दूंगी तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी है वो गुड़िया, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी है वो गुड़िया, हम सबका मन मोह लिया वो जादू की है पुड़िया। जूम पे हम सबसे करती है वो बड़े प्यार से गुफ्तगू, जूम पे हम सबसे करती है वो बड़े प्यार से गुफ्तगू, वो है हमारी प्यारी सी बिटिया आरजू। आरजू ने जगा दी है हम सबकी सोई हुई आरजू, अब जिंदगी बहुत आसान हो गई है क्योंकि मिल गई है आरजू। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, यही है हमारी आरजू। माँ बाप का नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, तुमसे जुड़ी है उनकी हर एक आरजू। सबके चेहरे की हंसी है आरजू, हमारे दिलों की खुशी है आरजू। दुआ है हमारी हमेशा खुश रहो, दुआ है हमारी हमेशा खुश रहो, क्योंकि इच्छा अरमान ख्वाहिश कामना तमन्ना इन सब का समावेश है आरजू। हम सब मिलकर देते हैं दुआएं, हम सब मिलकर देते हैं दुआएं, तुम्हारा प्यार सभी को ऐसे लुभाए। हमारी आरजू बेटा जिंदगी में बहुत बड़ा नाम कमाए और हम सब ऐसे ही दुआएं करते जाए कि बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तपन जी सर, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू ऑल लीडरशिप, थैंक यू। जी क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत प्यारा आपने कविता बनाया, बहुत प्यारा आपने सुनाया, आपको सल्यूट है, बिग सल्यूट बिग सल्यूट बिग सल्यूट। जी तपन जी व्हाट टू यू, व्हाट टू यू। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू मंजू मैम, आपने इतना शानदार बर्थडे सॉन्ग सुनाया और आरजू बेटा को दिल से आशीर्वाद है बर्थडे के लिए, विश कर रहा हूँ आरजू बेटा को, हैप्पी बर्थडे आरजू बेटा, आपका दिल से आपका आशीर्वाद आपको। और मंजू मैम आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इतना शानदार कविता भी सुनाई और साथ के साथ एक बर्थडे पोएम भी सुनाया, तो हम जो जीना चाहते हैं तो एकदम बिल्कुल मस्त जिंदाबाद जीना चाहते हैं, और आप आपकी कविता के माध्यम से हमने सीखा है समझा है कि जो ग्रीन टी है हमारे एनर्जी को किस तरह से बढ़ाता है, हमारे एनर्जी को इम्प्रूव करता है। तो हम वैसे तो हम रोज ही ग्रीन टी पीते हैं, दोनों शाम पीते हैं, सभी से निवेदन है कि सभी ग्रीन टी पिए, खासकर मोदी केयर की जो ग्रीन टी है हमारी बहुत ही शानदार ग्रीन टी है। तो धन्यवाद मंजू मैम, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा समय हो चुका है, अब हम किशु बेटा को सुनेंगे। तो किशु बेटा आपका स्वागत है, वेलकम है किशु बेटा, अगर आप सुन रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आइए और आज हमें कौन सा श्लोक सुनाना चाहेंगे आप। जी किशु सर, बेटा अगर आप सुन पा रहे हैं। जी सर जी वेलकम किशु बेटा, आपका स्वागत है, आप आइए और हमें आप अपने श्लोक से लाभान्वित करें। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग, मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम किशोर, 7th क्लास में पढ़ता हूँ, हावड़ी और सीकर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको एक श्लोक रामायण का और एक श्लोक श्रीमद् भागवत गीता सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम भगवान के नाम से स्टार्ट करेंगे। हे कृष्ण कमलापति सीतापति वैकुंठाधिक पति चराचर पति लक्ष्मी पति ब्रह्मा। मैं वो एक श्लोक श्रीमद् भागवत गीता सुनाना चाहता हूँ। यदा यदा धर्मस्य गलानि भर्वति भारत अभूत तथा धर्मस्य
तदात्मनम सर्ज अहम, अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि हे भारत हे अर्जुन, कृष्ण जी भारत को कहते हैं हे अर्जुन, जब जब धरती पे धर्म का लोप होता है या अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब श्री श्री विष्णु भगवान जी है जो धरती पर अवतार लेते हैं। तो थैंक यू सर। दूसरे श्लोक में बोलना चाहूंगा वो श्लोक है रामायण का, मित्रम उपकारम फलम, मित्रम पकोरो अरिलक्षणम, अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि उपकार करना मित्रता का लक्षण है और अपकार करना शत्रुता का। तो सर लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, हैप्पीनेस इज नॉट एन एग्रीमेंट इट्स योर एटीट्यूड, कोई खुशी कोई एक समझौता नहीं है, ये एक रवैया है। थैंक यू सर जी। धन्यवाद धन्यवाद आपका, दिन से धन्यवाद किशु बेटा, आपने हमें जो महाभारत का श्लोक सुनाया बहुत ही शानदार। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, जब जब अधर्म का चाल चलन बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है इस पृथ्वी पे, तो भगवान का अवतार होता है और भगवान अधर्म का नाश करते हैं और धर्म को धर्म की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों ये अधर्म जो है ये हमारे समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, धार्मिक और अधार्मिक। तो अधर्म का नाश तो होना ही होना है, अधर्म का हर हाल में नाश होता है। कहते हैं घमंड तो रावण का भी नहीं टिक पाया, तो हम तो एक साधारण सा इंसान है। रावण जितने महान थे उनका भी घमंड नहीं टिक पाया, वो इतने महान थे, इतने ज्ञानी पंडित थे, फिर भी वो अपने अधर्म की वजह से उनके अंदर जो घमंड आ चुका था उसका भी नाश हो चुका था। तो हम एक साधारण पुरुष है, हमारे अंदर चाहे कितने भी पैसे आ जाए, कितने भी महान बन जाए, हमारे अंदर घमंड नहीं होनी चाहिए। अधर्म घमंड ही जो है अपने आदमी का जो अभिमान है, अभिमान ही जो है वो अधर्म को जन्म देता है। तो अभिमान घमंड नहीं करनी चाहिए जी। धन्यवाद 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 किशु बेटा आपका, दिल से धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे साथ अब कोई हमारे कोहोस्ट तो नहीं बचे हैं, अब हमारे हैंड राइज हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले नीतू बेटा को इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम नीतू बेटा, आप आइए और आपका हैंड राइज हो रखा है। तो नीतू गुज्जर, नीतू बेटा अगर आप सुन पा रहे हैं। नीतू बेटा आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे साथ बाद में हम नीतू बेटा को सुन लेंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, छाजू राम सैनी जी उन्होंने हैंड राइज किया हुआ है। नीतू बेटा आ गए हैं सर ऑनलाइन जी। नीतू बेटिया हमारे बीच में आ गई है, वेलकम जी। जी वेलकम नीतू बेटा, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नीतू गुज्जर, मैं कल की तरह आज भी आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूं। सर मैं स्टार्ट करती हूं। जी कंटिन्यू नीतू बेटा। पिघला दे जंजीरे बनाने के शमशीरे, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला द जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही ओ, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन बारिशों के बाद लोप चढ़ के, वक्त का गिरे बा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता।
इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही ओ, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नीतू बेटा, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी जो सॉन्ग है, आपकी जो वॉइस आवाज है, बहुत ही मनमोहक आवाज है आपकी, दिल को छू जाता है आपकी आवाज। और जो आप ये सॉन्ग सुनाते हो लास्ट में हमें, ये सॉन्ग जो है हमारे सीने में एक आग सा भर देता है। तो बेटा हम जो है हर मैदान को फतेह करेंगे, अपनी हिम्मत से, हौसले से, अपनी परिश्रम से, अपने कर्म से जो है हम हर मैदान को फतेह कर सकते हैं और करेंगे इसको। तो धन्यवाद 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 नीतू बेटा। आगे हमारी हैंड राइज हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। हमारी हैंड राइज है छाजूराम सैनी जी का। तो वेलकम छाजूराम जी, आपका स्वागत है, वेलकम है। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप ऑन द स्क्रीन आइए और आप हमें क्या सुनाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आइए जी। छाजूराम जी, छाजूराम सैनी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें जी? वेलकम है सर आपका। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सभी को। मैं छाजूराम नवलगढ़ से बिलोंग कर रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूं मैं। गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरुदेव महाश्रय, गुरु परम पिता, गुरु नमन, गुरुदेव दया करे मुझ पे अपना लेना, गुरु में शरण पड़ा नरेश जी, गुरु आपके चरणों में जगा देना, करुणा दान नाम तेरा करूंगा, विष दिखला देना, सोए हुए भाग्य को नाथ जगा देना, मेरी नाव भंवर में डूबी अपना पार लगा देना। थैंक यू सर जी। छाजूराम जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने बहुत ही शानदार सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन करके। तो आपका दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी अंजू मैम है, अंजू गोगावत जी मैम जी। जी सर, जी सर, मैं जी आप सभी को बताना चाहूंगा छाजूराम जी के विषय में। छाजूराम जी नवलगढ़ से बिलोंग करते हैं और हमारे जो ग्रेट लीडर है पवन जी उनके पिताजी है। और छाजूराम जी आप हमारे लिए है आदरणीय है, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, धोक आपको देते हैं और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सब पे आप इसी तरह से बनाए रखिए। दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद आप जी। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे अंजू गोगावत जी मैम है। तो आप अंजू गोगावत जी मैम वेलकम है आपका, दिल से स्वागत है आपका। आप आइए और हमें सुनाइए अपने बहुमूल्य। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाम अंजू है, सूरजगढ़ से बिलोंग करती हूँ और आज के सेशन के बारे में बताना चाहूंगी कि आज बच्चों ने रंग जमा दिया। वास्तव में फिर से मैं ये कहूंगी कि हम सब तो जो बड़े हैं जो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं वो अद्भुत है, अनोखा है। और
मतलब भविष्य उनमें नजर आने लगा है कि हमारे बच्चे क्या करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, और दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी सुरेंद्र जी का और किशु बेटा का कि उन्होंने एक छोटी सी मेरी इच्छा थी, बहुत हार्दिक इच्छा थी कि जो गीता जी के श्लोक हैं, महाभारत के श्लोक हैं, उन्हें सुनाए रोज और उनका हिंदी में अनुवाद भी करें ताकि हम लोग उसका रस ग्रहण कर सकें। तो उन्होंने आज ये एक शुरुआत उन्होंने कर दी है, तो उसके लिए उनका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मंजू जी, आपकी तो बात ही निराली है, मैं मतलब क्या कहूँ, शब्द नहीं मिलते आपकी तारीफ में, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। कहाँ से ले आती हैं आप ये ढूंढ ढूंढ के, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आपको हर रोज एक टॉपिक मिल जाता है और इतना प्यारा टॉपिक, और उस पर आप इतने सुंदर शब्दों को इस तरीके से बांधती हैं कि समझ में नहीं आता कि कैसे आप उन्हें पिरो लेती हैं लड़कियों के अंदर। हर चीज का एक सुंदर भाव होता है, हर एक बात का एक गहरा अर्थ होता है जो वाकई में दिल को छूता है। और कल के लिए सॉरी बोलूंगी मंजू जी, कल मैं नेट इशू की वजह से आप ही की पोएम के टाइम पे मैं गायब हो गई थी और वो पोएम मुझसे मिस हो गई थी, तो रिक्वेस्ट भी करूंगी कि वो पोएम आप मुझे ग्रुप पे भेजें या पर्सनली भेजें, क्योंकि मैं हर पोएम आपकी सुनती हूँ, हर पोएम को मतलब मैं बहुत तवज्जो देती हूँ, वास्तव में हर पोएम में आपकी एक सीख होती है, गहरा अर्थ होता है। सो थैंक यू सो मच, और यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स का दिल से धन्यवाद। तपन जी आपका धन्यवाद, बहुत प्यारी बहुत ही अच्छी होस्टिंग आप कर रहे हैं, बहुत तरीके से आप कर रहे हैं, जबकि आपकी ये पहली होस्टिंग है फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कर रहे हैं, बहुत ही विनम्र तरीके से कूल होस्टिंग है आपकी, सो थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही इजाजत चाहूंगी एक छोटी सी कविता की, इच्छा है मेरी कि मैं भी बोलूं दो शब्द तो आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। जी अंजू जी, जरूर जरूर जरूर, हम सुनना चाहेंगे आपको जरूर। थैंक यू नरसिया, थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उम्मीद के ऊपर मेरी एक कविता है, आस के ऊपर मेरी कविता है कि हमें चाहे जैसी परिस्थितियां हो, चाहे जैसा माहौल हो, चाहे जैसा मौसम हो, हमें हमेशा आस उम्मीद बनाए रखनी है। तो शुरू करती हूँ। ताजी ताजी सांस अभी बाकी है, नई नई आस अभी बाकी है, उदास मत हो ए प्यारे इंसान, उदास मत हो ए प्यारे इंसान, जीने की प्यास अभी बाकी है, तुझे क्या खबर ए नई मुसीबत, दुआओं का दौर अभी बाकी है, कभी कभी लेती है इम्तिहान किस्मत, कभी कभी लेती है इम्तिहान किस्मत, खुशियों का शोर अभी बाकी है, सब एक हैं सब एक रहेंगे, सब एक हैं सब एक रहेंगे, दुनिया में घोंसले अभी बाकी हैं, कितना भी डरा ए बीमारी, दिल में हौसले अभी बाकी हैं, तुम देखना तो सही एक नई दुनिया उभर आएगी, तुम देखना तो सही एक नई दुनिया उभर आएगी, नफरत सारी खत्म हो जाएगी, ऐसी सुहानी घड़ियां अभी बाकी हैं, ऐसी सुहानी घड़ियां अभी बाकी हैं, ताजी ताजी सांस अभी बाकी है, नई नई आस अभी बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू तपन जी। अंजू मैम क्या बात है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद अंजू मैम, थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद 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 मैम, बहुत ही शानदार तरीके बताया आपने, तो आपका दिल से धन्यवाद। और नरेश सर अब आगे आप क्या बोलना चाहेंगे, हमारे बीच में और पार्टिसिपेंट कोई बचे हैं या नहीं देखता हूं मैं। जी सुनीता देवी जी, सुनीता जी है, सुनीता जी को इनवाइट करें, उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा। जी प्लीज। जी जी, तो वेलकम सुनीता, सुनीता मैम आपका दिल से स्वागत है, आप आइए और हमें अपने बहुमूल्य वचनों से हमें लाभान्वित करें, तो वेलकम है सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तमन्नी सर, गुड मॉर्निंग नरेश जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरी भी छोटी सी ख्वाहिश है, जो आलस्य है उसके ऊपर मैं संस्कृत में बताती हूँ। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर से रिपु है, नास तो मस्मो बंधु है कतवा ये नाव सिद्धि। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है, व्यक्ति का परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है तो वह दुखी नहीं होता और हमेशा खुशी रहता है। दूसरा है, उद्मेन ही सिद्धि कारिणी, न मनोरथे न ही तस्से सिंह से परवी शांति मुखे मृगा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की मेहनत करने से ही उसी का काम पूरा होता है, सिर्फ
इच्छा करने से उसका काम पूरा नहीं होता। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण समय नहीं आता, उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है। ददा तति प्रगति हाथी ग्रहा माख्यति पश्यति बुढ़कते बोझते चेव सडे विद्यम प्रतीक लक्षणम। यानी इसका अर्थ है कि लेना देना, खाना खिलाना, रहस्य बताना है और उन्हें सुनना, ये सभी छह प्रेम के लक्षण है। अनादरो विलंब से में वे मुख्यम निष्ठुर वचनम पश्चातम पंचामी पंचापी दानस्य दुश्राणी च अपमान करने देहा मुंह देना, मुंह फेर कर देना, देरी से देना, कठोर वचन बोलकर देना और देने के बाद पश्चाताप होना, ये सभी पांच क्रिया दान को दूषित करती है, कर देती है। थैंक यू भैया, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। इतना ही जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू, आपने बहुत ही शानदार बताया आपने। आलस्य जो है मनुष्य का जो है काल होता है आलस्य। मनुष्य कोई भी काम, और हम कोई भी काम सोचते हैं उसको टाइम से नहीं कर पाते हैं, तो इसका एक मुख्य वजह होता है आलस्य। तो हमें आलस्य को त्यागना है। आलस्य को त्यागने के लिए हमें हर रोज सुबह सुबह उठना चाहिए। प्रतिदिन जो है हमारा जो एक रूटीन होना चाहिए, सुबह उठने का जो रूटीन होता है बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे शरीर से आलस्य को बिल्कुल खत्म कर देता है। सुबह सुबह का जो ऑक्सीजन है, फ्रेश ऑक्सीजन है जो वातावरण का, वो ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में जाता है तो इससे हमारा जो है आलस्य खत्म हो जाता है, हम सारा दिन फ्रेश रहते हैं। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने श्लोकों के माध्यम से हमें जो ज्ञान दिया, हमें जो बातें बताई, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कोई हैंडराइज नहीं है, तो नरेश सर आपका स्वागत है, आप आइए और इस सेशन के बारे में हमें अपने बहुमूल्य वचनों से हमें बताइए कुछ। जी वेलकम सर। जी थैंक यू सो मच तपन जी, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपने इस होस्टिंग को अंजाम दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपने टाइमली सेशन को आपने कंप्लीट भी किया। तो दिल से बिग सैल्यूट, आप एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है सभी लीडर्स के लिए, बाकी सभी जो आने वाले होस्ट है उन सब के लिए। जरूरी नहीं है कि हमारी आवाज में बहुत ज्यादा तड़क भड़क हो तो ही हम होस्टिंग कर पाएंगे, या हमें कुछ बहुत ज्यादा बोलना आता हो तभी हम होस्टिंग कर पाएंगे। आज आपने एक बेहतरीन एग्जांपल सेट कर दिया है कि बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से, बड़े स्वाभाविक तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से भी अगर आप अपनी बात को रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। आपने बहुत बेहतरीन आज होस्टिंग करी, तो सबसे पहले तो आपके लिए शानदार तालियां। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारा कुछ इस सेशन के माध्यम से हम सीख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। शायद मेरे को कोई अच्छा सा पोएम या कोई शायरी तो नहीं आता, पर सिंपल तरीके से सबको दिल से आभार व्यक्त करते हुए, प्यार से, मोहब्बत से सबको अगर हम गाइड करते हैं तो ये हमारे लिए, ये सारा ये जो सेशन है, हम इसी माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से यही सीख रहे हैं, यही समझ रहे हैं सर। जी धन्यवाद सर आपका, जो आपने इस सेशन को चलाया और इस सेशन को जब से हम ज्वाइन किया, जब से मैंने ज्वाइन किया है इस सेशन के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन में बहुत ही शानदार पॉजिटिव विचार लेके आए हैं और हमारा जो जीवन है बिल्कुल पॉजिटिव हो चुका है। तो धन्यवाद सर जी, कंटिन्यू सर। जी जी तपन जी, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, जितने भी हमारे डायनेमिक लीडर्स है, जितने भी हमारे डायमंड्स है, आप सभी का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक से एक नायाब हीरे हमारे पास है, आप सभी डायमंड है, आप सभी 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 जबरदस्त है। और अंजू जी आपने जो कविता सुनाई, रियल में बहुत प्यारी कविता, अभी आस बाकी है, अभी विश्वास बाकी है और अभी ठंडी ठंडी मीठी मीठी श्वास बाकी है, हवा बाकी है, आबो हवा बाकी है और वो सब हमें मिलने वाली है। दिल से धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। और नीतू बेटा बहुत प्यारा सॉन्ग, इस सॉन्ग को सुनने के बाद खून में रवानी आ जाती है। और किसु बेटा की जो हमारे श्लोक होते हैं, सुनीता दीदी ने हमें श्लोक सुनाए, आज सुरेंद्र जी ने हमें श्लोक सुनाए, नितेश जी की इतनी प्यारी जबरदस्त कहानी, और मंजू जी
वास्तव में लाजवाब आरजू बिटिया को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद आप बोलिएगा बताइएगा। जो भी आप लीडर्स उस सेशन में रहते हैं, मेरे साथ चैलेंज ये है कि मेरा 8 बजे एक जूम सेशन स्टार्ट होता है, फिर 9 बजे एक जूम सेशन रहता है, लगातार मेरा 2 सेशन रहते हैं शाम को नाइट में, इसलिए मैं नहीं आ पाता उस सेशन में। कंटिन्यू हमारी लीडर्स का सेशन चल रहा है, 8 से 10 10:30 बजे तक चलता है लगातार, तो उस वजह से मैं नहीं आ पाता, मैं क्षमा भी चाहूंगा। लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप आरजू बिटिया को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी बधाइयां देना, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा, लीडर्स सीरियसली आप देखिए कितना प्यारा सेशन है, कितना जबरदस्त सेशन है, और इस सेशन से हम सबकी जिंदगी में कितनी खुशियां आ रही है, हम कितने स्वस्थ और कितने मस्त होते चले जा रहे हैं, जिंदगी जीने का अंदाज हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो हमारे चैंपियन आपको दिल से धन्यवाद, आप दोस्ती के मिसाल को कायम करते चले जा रहे हैं, और हमारे जितने भी गुरु हैं, हमारे जितने भी आदरणीय पेरेंट्स हैं, आप जितने भी माता पिता यहाँ पे हैं, आप सबको बिग सैल्यूट। आप अपने बच्चों को आगे लेकर आते हैं, आप अपना आशीर्वाद हमें देते हैं, और साथ ही साथ हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर्स आकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बाकी सभी लीडर्स के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायी है, बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है, आप सब हमारे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। तो आपको आज का सबसे बड़ा बिग सैल्यूट, आपको बहुत बड़ा सैल्यूट। और रचना दीदी आपको दिल से आभार, मंजू जी आज आपने रचना दीदी की भूमिका को भी अदा किया, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, आज नरपत जी हमारे बीच में नहीं है किन्हीं कारणों से, मैं चाहूंगा उनका भी हम दिल से धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें, और उनको हम प्यार दे सम्मान दे। जितने भी हमारे यहाँ पे जो आप फैमिली मेंबर हैं, आप सबको मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, आज नरेश पाल जी एक नई प्रथा हमारे से कबड्डी में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बहुत प्यारा लगता है जब आप अपने जीवन साथी को गिफ्ट में साड़ी या कोई अंगूठी नहीं, गिफ्ट में जब आप कार देते हैं, जब आप उनके सपनों की कार उनको गिफ्ट में देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लीडरशिप अपने आसपास के जितने भी आपके न्यू ज्वाइनिंग है या आप जिनको ज्वाइन करवाना चाहते हैं, जितने भी आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स है, आज आप झुंझुनू ट्रेनिंग सेंटर में उन सभी को आप लेकर आइए, दिखाइए कि किस तरह से मोदी केयर में आकर कमाल हो सकता है, किस तरह से मोदी केयर में आके धमाल हो सकता है। तो इस माहौल को और भी शानदार बनाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरी पूरे डाउनलाइन अपलाइन के साथ आज के इस सेशन को अटेंड करें। झुंझुनू में 10:30 बजे का समय रहेगा, पीरू सिंह सर्किल के पास ऑफिस है। आप सबका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। और मैं आपको आज एक प्यारी सी कविता जो मैं अक्सर सुनाता हूँ आपको, उस कविता के साथ इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा, जब हम दूसरों से जुड़ते हैं, याद रखिएगा इस बात को, जब हम दूसरों से जुड़ते हैं तो हम बेहतर इंसान बनते हैं, जब हम दूसरों से जुड़ते हैं तब हम बेहतर इंसान बनते हैं। विश्वास करो कि आप कर सकते हो, विश्वास करो कि आप कर सकते हो, ऐसा करने से ही आप आधा रास्ता तय कर लेते हैं। तो खुद पे विश्वास करना है, खुदा पे विश्वास करना है, और एक बात को हमेशा ख्याल रखना है, जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, रोजाना सुन भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन सामने आके बात नहीं करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहने, आपको कहना चाहूंगा, जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। आप दो पैरों पर बड़े आराम से खड़े रह सकते हैं, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको एक कदम हवा में उठाना ही पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है, आपको भी आगे आना चाहिए, अपने आप को यहाँ पे आपको प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए कविता पे चलते हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान ही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई,
इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। यस यस यस, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहने, इस बात को ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं चाहूंगा कि बाकी जो लीडर्स जिन्होंने हैंड राइज किया है, कल के सेशन में हम आपका स्वागत करेंगे। आज हम आप सभी को अनम्यूट करेंगे, एक दूसरे को आप सम्मान दें, प्यार दें, इज्जत दें। आज का सेशन आपको कैसा लगा बताएं, और अपने पूरे परिवार के साथ रोजाना इस सेशन को ज्वाइन करें। दिल से धन्यवाद आप सभी का। एक दूसरे को आप कृतज्ञता ज्ञापित करें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं। आप सबके लिए दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। शानदार तालियां आप सबके लिए। जी गुरुदेव, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने इस सेशन को चला करके। जी सर आपका धन्यवाद। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी सर आपके चरणों में नमन। थैंक यू जी, धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद। अभिषेक धन्यवाद, अनुज जी धन्यवाद धन्यवाद आपका धन्यवाद। प्रेम सिंह जी धन्यवाद, धन्यवाद सैनी जी धन्यवाद, शर्मा जी धन्यवाद धन्यवाद, दुर्गावती जी आपका दिल से धन्यवाद, सुखी जी धन्यवाद, श्रीकांत जी धन्यवाद, शिवानी जी धन्यवाद, श्याम सैनी जी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सुनीता चौधरी जी आपका दिल से धन्यवाद, सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रमोद कुमार जी आपका दिल से धन्यवाद, प्रेम सिंह जी आपका दिल से धन्यवाद, राधे श्याम जी, राजेंद्र सैनी जी, राजेश शर्मा जी, उसके बाद धन्यवाद 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 कुमार जी, सतवीर जी दिल से धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मुझे पता है इस सेशन में सबसे प्यारा इस वक्त ज्यादा लगता होगा जब हमें एक दूसरे को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, धन्यवाद 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 इसके लिए परमपिता परमेश्वर को, और उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, धन्यवाद 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 उस सारे धन के लिए धन्यवाद जीवन भर धन्य दिया गया। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और जैसा कि आपने कविता सुनी थी, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग मेरे सर।